रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम चैप्टर कर रहे हैं आर ड्रीम कम ट्रू, और अब हम उसकी कॉम्प्रीहेंशन करते हैं कि आपको कितनी समझ आई है। डज एवरी वन अंडरस्टैंड, क्या हर एक ने ये सबक समझ लिया है? तो ये क्वेश्चन के आंसर करें। व्हाट डिड द बॉय डू व्हेन ही सॉ द लैंडिंग पैराशूट, बच्चे ने क्या किया जब उसने एक पैराशूट को नीचे लैंड करते हुए देखा? वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें और इसका जवाब सोचें। यस, उसने अपनी बाइक निकाली। आई रीच द स्पॉट बाय माई बाइक, वो अपनी बाइक पे चढ़ के वहां तक पहुंचा। व्हाट डिड हिज फ्रेंड आस्क हिम टू डू, उसके दोस्त ने उसे क्या करने को कहा? वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें। आपको पता है जब वो वहां पे पहुंचा तो उसने देखा कि वो पैराशूट नहीं है बल्कि एक बैलून है। उसके दोस्त ने उसे कहा होल्ड द रोप्स अटैच टू द बैलून, जो रस्सियां बैलून के साथ है उनको पकड़ कर खड़े रहो। व्हाई कुडंट ही लेट द रोप गो, वो रस्सी को क्यों ना छोड़ सका? वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें। बिकॉज द रोप रैप्ड अराउंड हिज फोर फिंगर्स ऑन हिज लेफ्ट हैंड, तो उसके हाथों के गिर्द लिपट गई थी रस्सी। How did he feel when he rose up from the ground? वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें। बच्चे ने कैसा महसूस किया जब वो जमीन से ऊपर उठा? He was frightened, वो जवाब देता I was frightened, मुझे बहुत डर लगा और उसकी रस्सी उसके हाथ को भी तकलीफ दे रही थी। Did the pilot know about the boy's presence? क्या पायलट बच्चे की लटकने को जानता था? वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें। अगर पायलट जानता होता तो वो तो पहले एयर को ही ना, बैलून को ही ना लिफ्ट करता। आई शाउटेड एंड शाउटेड बट द पायलट कुडंट हियर मी, पायलट को नहीं पता था कि बच्चा रस्सी के साथ लटक रहा है। व्हाट डिड द पायलट डू व्हेन ही सॉ द बॉय, पायलट ने क्या किया जब उसने बच्चे को देखा? वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें। व्हाट डिड द पायलट ही मिस्टर जवाद हर्ड माई येल एंड बिगेन टॉकिंग टू मी, उसने बच्चे से बातचीत करनी शुरू की। देन ही रिलीज्ड हॉट एयर थ्रू द टॉप ऑफ द बैलून, उसने बैलून की हवा कम की। देन ही स्टार्टेड डिसेंडिंग वेरी फास्ट, और वो नीचे की तरफ बहुत तेजी से उतरना शुरू हुआ। हाउ हाई डिड द बैलून गो, बैलून जो है वो कितना ऊंचा गया था? वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें। आपको बच्चे ने बताया कि बैलून जो है वो वेंट अप टू, शाबाश, 3000 feet। मिस्टर जवाद रेस द बैलून टू 3000 feet। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द बॉय नॉट बैडली इंजर्ड, बच्चा जो है लड़का वो क्यों बुरी तरह उसको चोट नहीं लगी? वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें। बच्चा कहता है कि देयर वाज पाइन ट्री, ही लैंडेड ओवर द पाइन ट्रीज। आई फेल ऑन द पाइन ट्री, आई वॉज लकी बिकॉज ट्री ब्रोक माई फॉल एंड I was only scratched as I fell through the branches, मुझे सिर्फ खराशें आई। Do you think this kind of adventure should be tried? Why not? आपका ख्याल है आपको इस तरह की मुहिम जो ही करनी चाहिए? अगर नहीं तो क्यों? वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें। हम पहले भी देख चुके हैं कि हमें इस तरह की एडवेंचर्स नहीं करनी चाहिए। Never risk your life। और जब आप घर से कहीं बाहर जाने लगें तो always ask फॉर परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स, आपके घर में आपकी अम्मी अब्बू हैं, बड़े बहन भाई हैं, तो आप उन्हें बता के जाएं कि आप कहाँ जा रहे हैं, कि अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आ जाए तो आपके घर वालों को पता हो कि आप इतने बाहर गए हैं। सेफ्टी फर्स्ट को हमेशा याद रखें। थिंक सेफ, वर्क सेफ, बी सेफ। अगर आपका कोई पैशन है तो उसके लिए ट्रेनिंग लें, नॉलेज हासिल करें। जब आप बड़े हो जाएं तो पूरी हिफाजती तदाबीर के साथ अपने पैशन को इस्तेमाल करें। ये आप ड्रीम में तो ऐसा कर सकते हैं, अपनी रियल लाइफ में ऐसा कभी भी ना सोचें। सो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो।